स्टूडेंट्स सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग तो लेटर राइटिंग में कुछ स्टेप्स हैं बेसिक स्टेप्स जो कि आपको याद रखने हैं कोई भी लेटर आप लिखोगे उससे पहले आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं कि आपको लेटर uh, किस तरह से लिखनी है और उसका जो तरीका होता है वो क्या है फर्स्ट uh, जब भी आप लेटर लिखोगे फर्स्ट जो स्टेप है वो आप याद रखोगे कि ऊपर सबसे पहले आप आ, अपना पोस्टल एड्रेस लिखोगे या ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर जो भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो स्टार्टिंग में आप लिखोगे उसके बाद फिर डेट और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप आ, जिसको ये लेटर भेज रहे हो उसका प्रॉपर एड्रेस लिखोगे दैन नेक्स्ट स्टेप इज एक सिंपल सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या डियर सर एक सिंपल सैल्यूटेशन देन थर्ड स्टेप जो है उसमें पूरा आर्ग्यूमेंट लिखोगे जो कि आपके पास उस आर्ग्यूमेंट का एविडेंस भी होना चाहिए ठीक है तो वो आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे एंड फोर्थ एक सिंपल क्लोजिंग तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि लेटर राइटिंग में बहुत ही जरूरी है नाउ एक लेटर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है इट्स अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर इन अबाउट वन ट्वेंटी वर्ड्स एक्सप्रेसिंग यूर कंसर्न एंड एनकरेजिंग यंगस्टर्स टू टेक पार्ट इन हेल्थ कैंपेन्स तो ये आप एक लेटर लिखोगे टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर किसी भी न्यूज़ पेपर के एडिटर को इतने सारे न्यूज़ पेपर्स आते हैं तो उनमें से कोई आप न्यूज़ पेपर एक सिलेक्ट करोगे और उसके एडिटर को ये आप लिखोगे एक लेटर जिसमें आप अपना कंसर्न पेश करना चाहते हो और एनकरेज करना चाहते हो यंगस्टर्स को ताकि वो हेल्थ कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें तो इन हेल्थ कैंपेन्स की वजह से हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए तो अब आप कैसे स्टार्ट करोगे फर्स्ट आप अपना एड्रेस लिखोगे ठीक है जो भी आपका एड्रेस है योर एड्रेस ऊपर आप अपना एड्रेस लिखोगे जो लोकल आपका एड्रेस है किस लोकेलिटी में आप रहते हो देन कुपवारा उसके बाद डेट देन एक लाइन आप छोड़ोगे फिर द एडिटर आप जिसको आप ये लेटर भेज रहे हो न्यूज़पेपर का नाम जो भी न्यूज़पेपर आपने सिलेक्ट किया है देन श्रीनगर तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे सब्जेक्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस टुअर्ड्स हेल्थ एंड हाइजीन सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ लेटर देन एक लाइन और छोड़ोगे फिर लिखोगे स देन एक लाइन छोड़ के Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the youngsters towards the negligent attitude of people towards basic health and hygiene. The villagers are not paying any attention to sanitation and personal hygiene, and this is leading them towards ill health. This hurdle can be overcome by organizing health campaigns in these areas where we can make these villagers aware of the importance of a healthy lifestyle by means of discussions or health checkups by specialists. A small dispensary can also be set up for their regular routine checkup. They must be taught that cleanliness is next to godliness. I invite youngsters through this letter of mine to volunteer their names so that we can put our plan into action. A little effort on our part will save these villagers from contracting serious disease. थैंकिंग यू योर सिंसियरली देन योर नेम तो ये एक सिंपल सी से लेटर है जो आप एडिटर को लिखोगे जिसमें आप बता रहे हो किस तरह से मतलब हम यंगस्टर्स को एनकरेज करेंगे और हेल्थ कैंपेन्स हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि विलेजर्स जो हैं उनको हम बता सकें कि हेल्थ और हाइजीन कितना ज़रूरी है और जो हेल्थ और हाइजीन अगर हम मेनटेन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हम बीमारियों की तरफ मुतवजा हो जाएंगे तो एक मतलब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे मतलब इसमें हम ये लिखते हैं कि बहुत सारे जो मतलब यंगस्टर्स हैं अगर वो वॉल्ट्रेली सामने आए और इन कैंपेंस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करें तो हम जितना भी हमने जो प्लान बनाए उसको हम एक्शन मतलब इन एक्शन कर सकते हैं तो उसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं और इनको ये भी सिखा सकते हैं कि हेल्थ और हाइजीन जो है वो लाइफ में कितना जरूरी है जिसकी वजह से हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं तो ये एक लेटर है जो आपने एडिटर को लिखी है और आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इस जो ये लेटर है इसको आप अपने न्यूज में एड करो ताकि लोगों को ये एक अवेयरनेस हो जाए और लोग आगे आए इस कैंपेन में मतलब ये जो कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज करने में लोग मदद करें मतलब वॉलेंट्रियली आगे आए और इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने में अपने जो मतलब एफर्ट्स है वो लगाए